जो गुजर गए किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। सारा, क्या हुआ? सर से बात हुई तुम्हारी? निम्रा, छुट्टी मिल गई। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे इसमें रोने वाली क्या बात है? हॉस्पिटल जाओ, बाबा का ख्याल रखो, मैं शाम में चक्कर लगाती हूँ ऑफिस के बाद, ठीक है? तुम दुआ करना। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल दुआ करूंगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और सर दानियाल को पीटर से थैंक्स कह देना। हाँ ठीक है, लेकिन ये काम अगर तुम खुद ही करो तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है? सुनिए मैडम, दानिया साहब ने कहा कि मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ दूं। नहीं नहीं सर, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मैडम जहमत नहीं है, ये काम है हमारा, आप चलिए, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। आप साहब से कह दीजिएगा ना कि मैं चली गई हूँ। साहब लोगों को हम कहते नहीं है, उनका हुक्म मानते हैं। उन्होंने मुझसे कहा है और वो नाराज हो जाएंगे मुझसे बहुत। आपको कुछ कहना, अगर नहीं जाना चाहती हैं आप तो आप बात कर लीजिए साहब से। अच्छा चलें मुझसे। आइए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे सॉरी कहना चाहिए? ऐसा ही कुछ मैं भी सोच रहा हूं। तुम्हें सोचना नहीं चाहिए, सोचते हुए मर्द अच्छे नहीं लगते। मर्दों पर सूट करता है कि वो बगैर सोचे समझे कुछ भी कर दे, जैसे तुमने किया सारा पर अटेम्प्ट बगैर सोचे समझे। अब इस बात का क्या मतलब है? एक तो तुम आजकल मतलब बहुत पूछने लगे हो मेरी जान। तुम जो कल परसों से मुझे तंग कर रही हो, उसके बारे में कब सोचोगी? उसके बारे में भी तुम ही सोचो। सोचो कि जो तंग कर रहा है वो खुद कितना तंग हुआ होगा। मैं सचमुच तंग आ गई हूँ सरफराज। इतने अरसे से मैं तुम्हारे पीछे पड़ी, क्या हासिल हो रहा है मुझे? शीना देखो, शादी की बात भी जब भी करती हूँ मैं करती हूँ, और बदले में या तो तसल्ली मिलती है या फिर खामोशी। शीना देखो, मेरी शीना ही क्यों देखे हर बार? अब तुम देखो सरफराज। तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी है, मुझे अब उस बारे में फैसला करना है। इनफैक्ट मुझे ये जानना है कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ है भी या नहीं।
मेरे से ज्यादा मेहरबानी हो गया तुम्हारा बॉस तुम पे। मतलब देखो ना, हॉस्पिटल की सारी जिम्मेदारी उसने उठा ली, हर चीज का पूछ भी रहे, आज अभी तुम उसी के साथ ही रही हो। क्या कहना चाहती हो तुम? मतलब ये कि क्या सोचा है, कोई शादी वादी करनी है या ये भी पहले की तरह बस बेइज्जत करके चला जाए? दुरैया, हाँ तो कुछ गलत नहीं कहा मैंने। इतनी बड़ी गाड़ी में आओगी जाओगी, सारी चीजें वो संभालेगा तो लोग तो बातें करेंगे ना, लोगों को नजर आते हैं, उनकी जुबानी नहीं पकड़ी जा सकती। पहले जो कुछ हो चुका है ना, इसी वजह से मामू जान की तबीयत इतनी खराब है, सोच सोच के ज्यादा। अब उन्हें पता चला कि तुम्हारी और तरक्कियां हो गई हैं तो और तबीयत उनकी खराब होगी, इसलिए ना करो ये हरकतें। कुछ नहीं किया मैंने, ना पहले कुछ किया था ना अभी कुछ किया है, मेरा इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। और तुम मुझसे पूछ रही हो क्या तुम मुझे नहीं जानती? हाँ, क्या तुम्हें लगता है मैं पैसों के लिए किसी के पीछे भागूंगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं है, मुझे तुम पे यकीन है, लेकिन कब किसी के दिल में क्या बात आ जाए पता थोड़ी चलता है। सारा बात ना वैसे भी कुछ और है, पहली तुम्हारी हरकतों की वजह से ना मामू जान की इतनी तबीयत खराब हो चुकी है कि बात आईसीयू तक आ चुकी है। खुदा ना खास्ता उन्हें पता चला कि अब और ज्यादा चीजें हो रही हैं, वो तो जान से ही जाए, मतलब अल्लाह ना करे कुछ, कोई भी बड़ी बात हो सकती है। मेरा इकलौता भाई चला गया, मुझे छोड़ के इस दुनिया से चला गया, क्या करूंगी? मैं जान चुका हूँ, मैं समझ नहीं सका बेटी, मेरी आंखों में मिट्टी बन गई थी, मैं छुपे हुए सच को देख ही नहीं सका। मैं मुझे बता लो, अब मुझसे माफी मत मांगिए, अब तो मुझे गुनाहगार कर रहे हैं, अब मैं भूल गई, अब तो भूल जाए, मैं ठीक हूँ, मैं दिल तो खराब है, गलत किया तुम्हारे साथ, मुझसे नहीं बुलाया जाए, नहीं अब कुछ नहीं किया, आपने जो भी किया प्यार में किया है ना, आपका मान हूं ना मैं, आपकी इज्जत हूँ, तो आपको लगा होगा ना कि मैंने अब मान तोड़ दिया, लेकिन अब वो यकीन करें मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे पता था मेरा बाप मेरे पास जरूर आएगा, मुझे माफ कर देगा। सफर कैसे आएगा? हाय आपा, मैं तो अपनी बहन के यहाँ गई भी थी, जैसे ही सुना तो दौड़ी चली आई, मैं तो जूतियां तक नहीं उतारी थी, उल्टे कदमों दौड़ी चली आई। ऐसा कैसे हो गया अचानक से? भाई साहब तो बीमार भी नहीं थे, फिर यूं अचानक? दिल की दिल में ही लेकर चला गया मेरा भाई, कोई बात भी ना कर सका। बड़ा गैरत वाला, बड़ी इज्जत वाला था मेरा भाई, नहीं सह सका, चला गया। इस दुनिया में तो उसे सुकून नहीं मिला, तुम लोग दुआ करो अल्लाह ताला उसे ऊपर सुकून दे दे। इंशाल्लाह अल्लाह इन्हें अपनी रहमत के साए में रखे, बहुत ही नेक इंसान थे,
मोहल्ले वालों ने तो कभी इनकी ऊंची आवाज भी नहीं सुनी। बस यही तो गलती थी उसकी। सुना देता ऊंची आवाज, दिखा देता थोड़ा सा रोब, कहती रह गई मैं लड़की जात है, सर पे ना बिठाओ। लेकिन नहीं, अरे मैंने कहा लड़कियां सर उतार के ही उतरती हैं, फिर कहता था ये मेरी बेटी नहीं है, बेटा है मेरा। मेरी एक नहीं सुनी और दुनिया वालों की सुनते सुनते इस दुनिया से ही चला गया। अब देखो ना, अब हमें सुनना पड़ेंगी। इंसाफ नहीं मिला मेरे भाई को, इंसाफ नहीं मिला। अच्छा अम्मा, अब हौसला करें, सब्र करें। कैसे सब्र कर लो, कैसे रहूंगी उसके लिए। बहुत अफसोस हुआ बेटा, बहुत शरीफ और नेक इंसान थे असगर साहब, मेरी उनसे अक्सर नमाज। बहुत अफसोस हुआ, खबर मेरी उनकी अक्सर नमाज में मुलाकात होती रहती थी। यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी इस दुनिया से चले गए। बस जो अल्लाह को मंजूर, वरना हमने तो काफी कोशिश की थी। बस इंसान तो ना सिर्फ कोशिश ही कर सकता है, लेकिन जब किसी दूसरे इंसान के जाने का वक्त हो जाए तो सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सब्र। देखो बेटा, असगर साहब का अपना तो कोई बेटा था ही नहीं, उन्होंने एक बेवा और बेटी ही छोड़ी है। अब इन दोनों की जिम्मेदारी भी तुम पर है, तुम्हें अपने घर के साथ साथ इन दोनों का भी ख्याल रखना है। बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान थे भाई साहब, उनकी दिली हसरत थी कि अपनी जिंदगी में अपनी बेटी की शादी कर जाएं, लेकिन अफसोस जिंदगी ने उन्हें मोहलत नहीं दी। लेकिन अब ये जिम्मेदारी भी ना आपने ही पूरी करनी है। मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप सारा बहन का रिश्ता तलाश करें। यकीन जाने ऐसा करने से परों की रूह को बहुत सुकून मिलेगा। आप लोग बैठिए प्लीज। वहाज मियां, बेटा क्या देरदार है, असर होने वाली है। अगर कोई मसला नहीं है तो बेटे बिस्मिल्लाह करो, रुखसत करो। जी चलिए आइए। चलिए आइए, आप लोग उठिए। आज मेरे भाई को मत लेकर जाओ, आज मेरे भाई को मत लेकर जाओ, अभी मेरे पास रहने दो, मुझे देख तो ले दो उसका चेहरा। सब्र करें आपा, तो तसल्ली रखिए, क्या हालत कर ली है आपने रो रो कर। मेरा भाई, आप जानते हैं आप अपने छोटे भाई से कितना प्यार करती थी,
अल्लाह किसी की बेटी को ये दिन ना दिखाए। देखो तो कैसे अपने होश खो बैठी है बेचारी। रहने दो बहन, ऐसे बेहोश होने का क्या फायदा कि सबके होश उड़ा दिए। तुम्हें पता नहीं है इसके करतूतों का। खुदा का वास्ता चुप कर जाओ तुम दोनों। ख्याल तो करो कहाँ खड़ी हुई है, जनाजे में खड़ी हुई तुम लोग। इस तरह की बातें नहीं करते हैं। बेटो उठो, अब मुझे आ रहे आखिरी बार उनको देख लो। उठो बेटा, मिल लो उनसे बेटा। उठो सारा, उठो होश कर, उठो। मैं कह रही हूँ उठो, उठो। तुम्हारा बाप चला गया, सारा चला गया, तुम्हारा बाप चला गया। देख लो अपने बाप, मुझे जा रहे तो उसको देख लो एक बार। असगर साहब का अपना तो कोई बेटा था ही नहीं, उन्होंने एक बेवा और बेटी ही छोड़ी है। अब इन दोनों की जिम्मेदारी भी तुम पर है, तुम्हें अपने घर के साथ साथ इन दोनों का भी ख्याल रखना है। बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान थे भाई साहब, उनकी दिली हसरत थी कि अपनी जिंदगी में अपनी बेटी की शादी कर जाएं, लेकिन अफसोस जिंदगी ने उन्हें मोहलत नहीं दी। मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप सारा बहन का रिश्ता तलाश करें, ऐसा करने से और उनकी रूह को बहुत सुकून मिलेगा। देखिए अभी इन्हें सुन दीजिए और जब ये सोकर उठेंगी तो ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे इंशाल्लाह। अरे माँ,
मामी आप बैठे ना, आप थक गई होंगी, मैं जाती हूँ, मैं डॉक्टर साहब को छोड़ आती हूँ, यहाँ बैठे आराम करें, आइए डॉक्टर साहब। पापा थोड़ा सा खाना खा लें, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने। क्या कह रही हो रुमाना, मुझे आवाज नहीं आई, जरा ऊंचा बोलो। कह रही हूँ खाना खा लें। मुझसे नहीं खाया जाएगा खाना भाई, थोड़े ही तब वो मेरा बेटा था, बेटे की तरह पाला था मैंने उसे, मुझसे नहीं खाया जाएगा, नहीं खाया जाएगा। ऐसे मत करें, सुबह से कुछ नहीं खाया आप, थोड़ा सा खा लें वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम मेरी फिक्र छोड़ दो रुमाना, तुम बाकी सब लोगों को देखो। अरे 3 देगे बनवाई है मैंने मुर्गी की, 12x12 की। इस घर से कभी कोई भूखा नहीं गया, आज भी नहीं जाना चाहिए, इनको खिलाओ। जनाजे में थी, मामू की डेथ हो गई है, घर वालों के साथ बिजी हूँ, प्लीज कॉल मत करना इस नंबर पे, मैं जब इन सब चीजों से फ्री होंगी ना खुद कर लूंगी। अम्मा ने फोन मंगवाया था, वो लेने आई थी। हम बर्फ है अगर तो वो दे दो, बाहर कूलर में डालने हैं। हाँ मैं लेकर आती हूँ। वालिद की तबीयत कैसी? सर उनका आज ऑपरेशन है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो हॉस्पिटल होना चाहिए। आप प्लीज जाएं, जब तक आपके वालिद की तबीयत ठीक नहीं हो जाती आप उनके साथ हैं, उनका ख्याल रखें। सर थैंक यू सो मच, मैं आज आई इसलिए थी कि आपसे ऑफ ले सकूं। कॉफी भाई। भाई क्या हुआ है? भाई आप परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं बस ऐसे।
भाई मैंने इतना परेशान आपको कभी नहीं देखा, आप मुझे बता सकते हैं क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, बस सोच रहा था। आज मम्मी की बहुत याद आ रही है भाई, 4 महीने हो गए इनको गए हुए, लेकिन ऐसा लगता है वो अल्लाह मियां के पास नहीं, कहीं और गई हूँ। वापस आ जाएंगे कुछ दिनों में। अम्मी हमारे पास अब कभी वापस नहीं आएंगी, दूसरे जान में हमारा इंतजार कर रही हैं। जितनी जल्दी इस बात को समझ लोगे तो सुकून में आ जाओगे। लेकिन भाई आप तो समझ गए ना, आप क्यों इतना बेसुकून है, इतना परेशान? आज मैंने एक और इंसान को अपनी जगह देखा, मेरी तरह मायूस, मेरी तरह पुरुमीद। मेरे पास पैसा था, रिसोर्सेस थे, इसलिए दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में अम्मी का इलाज करवा के उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी कहीं ना कहीं दिल में सुकून है कि जो कुछ मैं कर सकता था, जितनी कोशिश मैं कर सकता था, मैंने वो सब की। हमारे ऑफिस में एक लड़की है सारा, उसके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसे ना रिसोर्सेज, खाली हाथ थे, जिसकी आंखें भरी हुई थी। जानते हो जब मम्मी फौत हुई थी तो मुझे लगता था कि मौत सबसे ज्यादा बुरी चीज है, लेकिन आज पता चला कि उससे भी ज्यादा बुरा एहसास ये है कि जब आपका कोई प्यारा आपके सामने मर रहा हो और आप उसे बचाने की कोशिश तक नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इतनी बेबसी। आपने हेल्प नहीं की? बिल्कुल की मैंने हेल्प, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि वो हेल्प मैंने उसके लिए की है या खुद अपने लिए है। और उसने मुझे बहुत अजीब तरह से देखा, शर्मिंदगी थी उसकी आंखों में, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो या शायद यकीन आ गया। तुम बस दुआ करो कि उसके फादर को कुछ ना हो। इंशाल्लाह भाई। आपको याद है भाई मम्मी क्या कहा करती थी? याद है मुझे, जो दिल दर्द से वाकिफ हो जाए वो मोहब्बत करने लगता है, दुनिया की हर शय से इश्क में मुब्तला हो जाता है।
क्या कहे ना कहे हम जिए ना जिए मरते हुए हम जिए गए इस तरह चुप लगी हमने माने वही जो फैसले कर दिए गए प्यार का जो रंग था दिखाई वो दिया नहीं जाने क्यों कहीं ये दिल लगा नहीं हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं पहन के जाएगी इंटरव्यू के लिए देखो जरा वो तो बहुत अच्छी है वो कितनी प्यारी शर्ट है ये कब बनाई आपने रात को ही बनाया वो देखो वो मैगजीन के डिजाइन जैसा ना है वैसे हाँ ये क्या बात यानी कि आप सही रात ये बना रहे थे मैं कहूँ मशीन के चलने की आवाज आ रही ये आपने अच्छा नहीं किया अरे नहीं वो सही रात को काम इसलिए करना पड़ा कि बेटी को वो डिजाइन पसंद आया था ना तो बिजली नहीं आ रही थी वरना जल्दी बन जाता लेकिन शुक्र है बन गया ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो अपने हिस्से आया है ये दर्द जो पर आया है क्यों अपने हिस्से आया है ये दर्द जो पर आया है क्यों अपने हिस्से आया है कसूर तुम्हारा कोई कसूर नहीं मैं समझ ही नहीं सका बेटी मेरी आंखों में मिट्टी बन गई थी मैं छुपे हुए सच को देख ही नहीं सकी मैं मुझे बता लो नहीं अबू अब इस तरह मुझसे माफी मत मांगे आप तो मुझे गुनाहगार कर रहे हैं अबू आप सब भूल जाएं सही है ना मैं भी भूल गई आप सब भूल जाएं ना हुआ कभी साथ जीना मरना था हमें यूं ही टूटना बिखरना गर्दिशों में जिंदगी थी हर पल रह गया बस जाने से गुजरना साजिशों की कैद से बदन निकल सका नहीं फिर उम्मीद का दिया जला नहीं हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है?
अपने ही से आया है। आज कहाँ है? पता नहीं, बाहर का कह के चला गया। चला गया नहीं, चले गए। कितनी बार समझाऊं तुझे, ये जो मर्द नाम की कौम है ना, ये अदब आदाब का बहुत ख्याल रखती है। दिल में इज्जत हो ना हो, जबान पे होनी चाहिए। कुछ पता तो नहीं चला उसे? इसी तरह रखना है, और अब जरा ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है उस सारा के हवाले से। ऐसे बिट बिट मेरी तरफ क्या देख रही है? दूध पीती बच्ची हो जैसे। उसका बाप मरा है, अभी हमदर्दियां समेटेगी। और वहाज ने अगर आंसू पहुंचते पहुंचते उसे दिल में जगह दे दी, फिर तेरा क्या अंजाम होगा? सोचा है कभी? फिर से मोहब्बत तब होगी ना माँ, जब पहली मोहब्बत तुझसे निकलेगी। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने है?